वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता फार्माकोलॉजी। टुडे बी डिस्कसिंग द अनदर टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट यूनिट्स इज द कनेक्टिव टिश्यू। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी आपके साथ में एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू इज अ पार्ट ऑफ टिश्यू जिसमें हमने पहले बताया टिश्यू आपके बेसिकली चार टाइप के होते हैं। देयर आर फोर टाइप ऑफ टिश्यू इन द बॉडी, आपके एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो कल प्रीवियस लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यू देखा था, तो एपिथेलियल टिश्यू को मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूँगा। यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। अगर इसे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एक कवरिंग लाइनिंग एपिथेलियम होते हैं और ग्रैनुलर एपिथेलियम। कवरिंग लाइनिंग एपिथेलियम यानी बॉडी की अपर लेयर और अंदर की अंदर वाली लेयर जो होती हैं, अपर और इनर लेयर को फॉर्म करते हैं, तो कवरिंग लाइनिंग एपिथेलियम होते हैं, जिसको हमने डिवाइड किया थ्री पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स। सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एंड सुडो स्ट्रेटिफाइड। सिंपल एपिथेलियम मतलब जिसमें सिंगल लेयर थी, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जिसमें यानी कि मल्टी लेयर थी, और सुडो स्ट्रेटिफाइड यानी कि वो एपिथेलियम जिसमें कि डबल लेयर होती सिंगल लेयर, लेकिन हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो मल्टी लेयर से बना हुआ है। फिर सिंपल एपिथेलियम को अगेन डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स। इसको मैं एपिथेलियम जिसमें कि जो सेल थी वो आपकी फ्लैट सेल थी, क्यूबॉइड एपिथेलियम जिसमें कि आपकी सेल थी वो क्यूबिक शेप थी, और कॉलमर एपिथेलियम यानी कि वो सेल जिसमें वो एक सिंगल लेयर सिंपल एपिथेलियम जिसमें कि शेप ऑफ द सेल क्या है, क्यूबॉइडल कॉलम शेप में होगा। ठीक है, तो ये कॉलम वाली है उसे अगेन डिवाइड टाइप में किया गया। नॉन सीलिएटेड जिसमें सीलिया प्रेजेंट नहीं था उसे नॉन सीलिएटेड बोलते हैं, सीलिएटेड जिसमें सीलिया प्रेजेंट थे। इसके अलावा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को भी अगेन डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, लेकिन यहाँ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या होगा, यहाँ पर सिंगल लेयर ना होगा मल्टी लेयर होंगी। इसका मैं एपिथेलियम यानी कि फ्लैट सेल होगी लेकिन एक से ज़्यादा लेयर में होंगी। क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी क्यूबॉइडल लेयर, क्यूबॉइडल शेप ऑफ द सेप सेल होगी और ये एक से ज़्यादा लेयर होंगी। कॉलम एपिथेलियम यानी कॉलम शेप सेल होंगी, इसकी भी लेयर एक से ज़्यादा होगी। और ट्रांजिशन एपिथेलियम जिसमें कि मल्टी टाइप ऑफ सेल्स होती हैं और मल्टी लेयर में प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह से स्क्वैमस एपिथेलियम को डिवाइड किया दो टाइप में, कैटेनाइज और नॉन कैटेनाइज। कैटेनाइज का मतलब है जिनके सरफेस पे कैटेनाइज कैटेनिन प्रोटीन का एक्युमुलेशन होता है, दैट इज द कैटेनिन्स। और नॉन कैटेनाइज यानी कि जिसमें प्रोटीन का एक्युमुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हमने समरी बता दी आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे एपिथेलियल टिश्यू। नाउ कम टू द टुडेज टॉपिक इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एक बहुत मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में कोई टिश्यू अगर हमारी बॉडी में होता है, डेट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। इट्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी इट्स ऑर्गन्स। मेनली हमारी बॉडी में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को उन सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इन्वॉल्व होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन मेन क्या होते हैं, नंबर वन यानी सपोर्ट। ये अलग 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 बॉडी के पार्ट से, बॉडी के टिश्यू से, बॉडी के ऑर्गन से जॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से ये उन बॉडी के ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नंबर टू, प्रोटेक्शन एंड इंसुलेटेड इंटरनल ऑर्गन्स। किसी ऑर्गन के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, और किसी ऑर्गन के चारों तरफ प्रेजेंट होने की वजह से उन ऑर्गन को इंसुलेट करेंगे और ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हम बात कर सकते हैं आपका एग्जाम्पल तौर पर बात करें तो हमारे जैसे कि लंग्स हैं, हार्ट है, ये सब कहाँ प्रेजेंट है हमारे लंग्स हार्ट जो हैं वो हमारे बोन के अंदर प्रेजेंट है। और बोन क्या है, एक तरह से कनेक्टेड टिश्यू है। जो कार्टिलेज है, जो रिब्स केज के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा हार्ट भी है, लंग्स भी है। ऐसे ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, हमारा स्कल के अंदर है। स्कल जो किसका बना हुआ, बोन का बना हुआ। बोन क्या है, कनेक्टेड टिश्यू। तो कनेक्टेड टिश्यू क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंसुलेट कर रहे हैं इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। इट्स आर मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करते हैं। जैसे ब्लड है, लिम्फ है, ये भी क्या है, पार्ट ऑफ कनेक्टेड टिश्यू, जो बॉडी में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इसके अलावा स्टोर एनर्जी रिजर्वायर, एनर्जी रिजर्वायर का काम भी करते हैं। जितनी हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू हैं वहाँ पर फैट स्टोरेज होता है। ऐसे एनर्जी रिजर्वायर जहाँ में एनर्जी जरूरत होती है, अगर कोई स्टारवेशन कंडीशन में है, कोई कहीं से भूखा है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से यूटिलाइज करेगी, इन्हीं एडिपोज टिश्यूज में जो फैट मॉलिक्यूल है उसे यूटिलाइज करती है। तो एक तरह से स्टोर्ड एनर्जी रिजर्वायर काम करते हैं। अब बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू के अगर बेसिकली किस किस चीज़ से बना हुआ होता है। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली हमारे दो टाइप के मटेरियल बना होगा। फर्स्ट है आपका एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, जो कि सेल के बाहर डिफरेंट पड़ा हुआ जो मटेरियल है वो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स हो गया। और उसके अलावा कनेक्टेड टिश्यू सेल्स होती हैं, बहुत सारी कनेक्टेड टिश्यू सेल्स होंगी कनेक्ट टिश्यू के अंदर। इसके अलावा क्या होते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, जो आपकी मैट्रिक्स जो सेल के चारों तरफ जो पोर्शन है वो पोर्शन है उससे मिलकर, जैसे आप कनेक्टेड टिश्यू क्या करें, कनेक्टेड टिश्यू क्या है, एक वो पोर्शन है। कनेक्टेड टिश्यू किस में बना हुआ है, इसमें बहुत सारी सेल भी प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट टाइप की। जैसे आप देख रहे हैं एडिपोसाइट सेल है, ब्लड वेसल्स के अलावा आपका न्यूट्रोफिल्स है, प्लाज्मा सेल है, इसिनोफिल्स है, ये सभी सेल भी प्रेजेंट है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो रेशे दिख रहे हैं, फ्रूट सबस्टेंस दिख रहा है। तो ये सभी क्या हो गया, रेशे हैं, फ्रूट सबस्टेंस है, ये सब क्या हो जाता है आपका
एक्सेसरी मैट्रिक्स हो जाता है, और बाकी जो सेल है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हो जाती हैं। तो बनवाई में चीज डिस्कस करते हैं, पहले बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू एक्सेसरी मैट्रिक्स, यानी कि जो सेल है, सेल के चारों तरफ जो मटेरियल प्रेजेंट है वो क्या है आपका कनेक्टिव टिश्यू एक्सेसरी मैट्रिक्स। तो कनेक्टिव टिश्यू एक्सेसरी मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स होंगे, ग्राउंड सब्सटेंस होंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं इसमें कुछ फाइबर्स आपके रेटिकुलर फाइबर्स हैं, ये भी क्या प्रोटीन फाइबर्स हो गए, फाइब्रोब्लास्ट हैं, ये भी क्या आपके प्रोटीन फाइबर्स हो गए, सॉरी, ठीक है। इसी तरीके से आपका कोलेजन फाइबर हैं, ये कोलेजन फाइबर है, ये भी क्या है प्रोटीन सब्सटेंस, प्रोटीन फाइबर्स हो गए। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, एक्सेसेलर मैट्रिक्स में। इसके अलावा ग्राउंड सब्सटेंस जो आपका येलो बैकग्राउंड में जो सब्सटेंस दिख रहा है, डेट इज़ द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो रो पोर्शन मेनली रहेंगे किसमें, एक्सेसरी मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। तो फर्स्टली वी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोटीन फाइबर्स, दी आर द थ्री टाइप्स ऑफ द प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू में, और ये तीन टाइप के कौन से होंगे, ये मेनली हमारे बॉडी के जो टिश्यू के लिए क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोटीन फाइबर कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज़ द कोलेजन फाइबर्स, पहला आपका कोलेजन फाइबर होगा, दूसरा आपका इलास्टिक फाइबर होता है, तीसरा आपका रेटिनल फाइबर होता है। दी आर द थ्री फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट वन इज़ द कोलेजन फाइबर, सेकंड इज़ द इलास्टिक फाइबर, एंड थर्ड इज़ द रेटिकुलर फाइबर्स। वी आर डिस्कसिंग द वन बाई वन द एवरी फाइबर। कोलेजन फाइबर्स क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन प्रोटीन, ये कोलेजन प्रोटीन क्यों नहीं होते हैं, एंड विच इज़ द मोस्ट अमिनेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी, 25% ऑफ टोटल प्रोटीन्स, यानी कि हमारी बॉडी का जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का भाग होता है वो किसका बना हुआ है, कोलेजन प्रोटीन बना हुआ है, और कोलेजन प्रोटीन यानी 20% ऑफ द टोटल प्रोटीन का पार्ट होता है जिससे ये बने हुए होते हैं। कोलेजन फाइबर आर द फाउंड ऑफ द मोस्ट टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशली बोन, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट्स। और जो ये बहुत डिफरेंट टाइप के हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें ये कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होंगे, जैसे बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए। और मैं एक बात आता हूँ, जहाँ भी करेक्ट कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पर ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो कोलेजन फाइबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसलिए जहाँ भी प्रेजेंट होंगे उस ऑर्गन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, उस ऑर्गन की स्ट्रेंथबिलिटी को बढ़ाएंगे, उसकी मजबूती को बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर आप नाम ही बता रहा है, इसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, यानी अपने उसे खींच के पुल करें तो दोबारा अपनी पुनः उसी शेप में गिर जाता है, जैसे हम रबड़ होती है, रबड़ को पुल करते हैं, रबड़ पुल करने पर दोबारा उसे अपनी पुरानी शेप में आती है, सेम इलास्टिक फाइबर भी वैसे ही काम करता है। तो दीज आर द फाइबर स्मॉल आर स्मॉलर इन डायमीटर देन द कोलेजन फाइबर्स, एंड दे कंसिस्ट ऑफ इलास्टिन प्रोटीन एंड द प्रोवाइड स्ट्रेंथ एज वेल एज इलास्टिसिटी। ये इलास्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जैसे कोलेजन फाइबर के से कोलेजन प्रोटीन के बने हुए थे, और इलास्टिन फाइबर जो होते हैं वो आपके इलास्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं, इसमें इलास्टिसिटी भी होती है, साथ में स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। दे आर फाउंड इन द स्किन में प्रेजेंट होंगे, वाला ब्लड वेसल्स एंड लंग्स टिश्यू में ये प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर इलास्टिसिटी की जरूरत होती है। लास्ट वन इज द रेटिकुलर फाइबर्स, दे आर द कंसिस्ट ऑफ कोलेजन प्रोटीन विद द कोटिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। बेसिकली किसके बने हुए होते हैं, कोलेजन प्रोटीन बने हुए, लेकिन कोलेजन प्रोटीन के ऊपर एक कोटिंग होती है किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन की, उसके थ्रू ये बने हुए होते हैं, कौन, रेटिकुलर फाइबर्स। दे प्रोवाइड ए सपोर्ट इन द ब्लड वेसल्स एंड फॉर्म ए नेटवर्क अराउंड द सेल इन द सम टिश्यू। ये बेसिकली हमारे ब्लड वेसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और कुछ सेल के चारों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं जिससे कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर टिश्यू में जो मेनली जो फाइबर प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। तो ये हमारे बात हुई प्रोटीन फाइबर की, प्रोटीन फाइबर कौन से हो, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। तो हाईली स्ट्रेंथ फाइबर कौन से, कोलेजन फाइबर्स है, उसके बाद इलास्टिसिटी किसमें होगी, इलास्टिक फाइबर्स में होगी, रेटिकुलर फाइबर्स में दोनों प्रॉपर्टी होती है, कोलेजन के साथ साथ उसमें ग्लाइकोप्रोटीन की कोटिंग होती है। नाउ कम टू द ग्राउंड सब्सटेंस। जो ग्राउंड सब्सटेंस जो फ्लूड प्रेजेंट होता है इन द कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं उनके बीच में जो फ्लूड प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, ग्राउंड सब्सटेंस बोलेंगे। दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड द फाइबर्स। फाइबर्स और डिफरेंट टाइप की सेल्स के बीच में जो सब फ्लूड प्रेजेंट है वो क्या है आपका, ग्राउंड सब्सटेंस है। ग्राउंड सब्सटेंस में भी ये फ्लूड हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकता है, जेनेटिकली क्लासिफाइड भी हो सकता है। तो ग्राउंड सब्सटेंस मिल क्या करता है, सपोर्ट करता है सेल के लिए, और एक सेल को दूसरे सेल से बाइंड काम करेगा, उनकी लोकेशन को मेंटेन रखता है, उनको आप इधर से उधर मेंटेन रखेगा, और वाटर स्टोर करता है, प्रोवाइड ए मीडियम थ्रू द विच द सब्सटेंस आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। और एक मीडियम फ्लो बनाता है जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड से डिफरेंट सब्सटेंस आपके डिफरेंट सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू तक पहुँच सकते हैं, और वहाँ से निकल के दोबारा वो वहाँ से वेस्ट मटेरियल जो होगा वो आपका अगेन कहाँ पहुँच सकता है, ब्लड में पहुँच सकता है। तो ग्राउंड सब्सटेंस मेनली वाटर होगा, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जिससे पॉलीसेकेराइड्स में आपका हेलोरेनिक एसिड है, कॉन्ट्रोटीन सल्फेट है, डर्मेटीन सल्फेट है, और केराटीन सल्फेट है। ये तो ये सब कंपोनेंट क्या होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस के हो गए। ये तो बात हुई हमारे एक्सेसेलर मैट्रिक्स की। एक्सेसेलर मैट्रिक्स में आपको बताया था दो चीज़ें थी, एक प्रोटीन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस।
अब आते हैं हम सेल के ऊपर। कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी सेल प्रेजेंट हो सकती हैं? देयर आर द सिक्स टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू: फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, एडिपोसाइट्स, मास सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, मैक्रोफेज सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। ये सिक्स टाइप की सेल्स होती हैं प्लाज्मा टिश्यू में प्रेजेंट, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं। वी आर डिस्कसिंग द एवरी सेल्स इन एवरी नाउ। फर्स्ट डिस्कसिंग द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, नाम ही बता रहा है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, यानी कि वो सेल्स जो कि फाइबर का फॉर्मेशन करती हैं, जो आपके प्रोटीन फाइबर्स थे उनका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स किस होता है। दे आर द लार्ज फ्लैट सेल्स विच विद ब्रांचिंग प्रोसेस एंड दे माइग्रेट थ्रू द कनेक्ट टिश्यू एंड क्रिएटिंग ए फाइबर्स एंड सर्टेन कंपोनेंट ऑफ द ग्राउंड सबस्टेंस। यानी कि ये आपके क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं और कनेक्टिव टिश्यू में एक स्थान दूसरे स्थान में माइग्रेट होने लगती हैं। इनका मेन काम क्या होता है, ये फाइबर का सिक्रेशन करेंगे और साथ में ग्राउंड सबस्टेंस जो होता है उसके कंपोनेंट का भी सिक्रेशन करती हैं। फिर आपके पास आता है एडिपोसाइट सेल्स। एडिपोसाइट सेल्स ये फैट सेल्स होती हैं, ये एडिपोस सेल्स होती हैं जिसमें कि ट्राइग्लिसराइड और फैट होता है वो स्टोर रहता है डीप इन द स्किन में। नंबर थर्ड आपकी मास सेल्स होती हैं। मास सेल्स बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में आपके ब्लड वेसल्स में होती हैं और ये हिस्टामिन नामक केमिकल का सिक्रेशन करती हैं जिसकी वजह से ब्लड वेसल डायलेट होती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी इंड्यूस होते हैं, इचिंग जैसी कंडीशन बनती है। ये सभी जो इन्फ्लेमेटरी इचिंग एलर्जिक कंडीशन जो इंड्यूस होती है ड्यू टू द मास सेल्स होती है, क्योंकि मास सेल्स में केमिकल रिलीज होता है हिस्टामिन की वजह से। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स यहाँ भी प्रेजेंट होती हैं इन्हें, और बट ये नंबर की क्वांटिटी करें WBC की क्वांटिटी बहुत कम होती है जैसे कि और सेल के कंपेयर करें। हाउ इज द रिस्पॉन्स ऑफ सर्टेन कंडीशन जैसे माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड टू द नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू, बट कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है उसके रिस्पॉन्स में ये माइग्रेट होकर ब्लड से माइग्रेट होकर उस कनेक्टिव टिश्यू में पहुँच जाती हैं। बेसिकली क्या हो, इन्फेक्शन का टाइम है, कोई इन्फ्लामेशन का टाइम है, तो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन का टाइम में क्या होता है कि जो WBC है वो उस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में इन्फ्लामेशन या कोई इंजरी हुई है तो उस टाइप के टिश्यू में ये माइग्रेट होकर पहुँच जाती हैं, भांग की क्वांटिटी बढ़ जाती है। फिर है मैक्रोफेज सेल्स। मैक्रोफेज सेल्स एक आपकी तरह की आपकी एक इरेगुलर शेप ऑफ द सेल होती है। इसका भी काम बेसिकली आपके जो सेलुलर डाइवर्स हैं या आपकी बैक्टीरिया है या अदर टाइप के मटेरियल्स हैं उनको इंगल्फ करना, उनको ख़त्म करने का काम होता है। इंगल्फिंग बैक्टीरिया एंड सेल डाइवर्स बाय फेगोसाइटोसिस। सेल डाइवर्स मतलब जो टूटी फूटी सेल्स होती हैं उनका पोजिशंस। लास्ट इज द प्लाज्मा सेल्स एंड दे आर डेवलप फ्रॉम द बीटा बी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट्स होती है उससे प्लाज्मा सेल डेवलप होती है। प्लाज्मा सेल बेसिकली क्या करती है, एंटीबॉडीज का सेग्रेशन करती है, प्रोटीन डिटेक्टर द न्यूट्रलाइज द फॉरेन सबस्टेंस इन द बॉडी। और ये इस तरह के प्रोटीन सेग्रेशन करती है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, और वो एंटीबॉडी क्या है, जो फॉरन मटेरियल जो हमारी बॉडी के अंदर आया उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। प्लाज्मा सेल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, सेल्स की। तो सेल कौन सी हो गई, 6 टाइप की हो गई: फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, एडिपोसाइट्स, मास सेल्स, WBC, मैक्रोफेज एंड प्लाज्मा सेल्स। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखें तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली आपका 5 टाइप का रहता है। तो जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर सेकेंड इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज द कार्टिलेज, फोर्थ इज द बोन टिश्यू एंड लास्ट वन इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर हम देखें फिर इन टिश्यू को भी डिवाइडेशन किया गया अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसको डिवाइड किया 3 पार्ट में: एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस टिश्यू एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी अगर डिवाइड किया 3 टाइप में: डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। फिर हम बात करते हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज भी आपका 4-3 टाइप की होती है, कई बार बताया आप लोगों के लिए: हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रोफोर कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। फिर इसके बोन टिश्यू हैं और कुछ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसमें लिम्फ और ब्लड आपका आ जाता है। तो डिस्कसिंग वन बाई वन, फर्स्टली डिस्कसिंग द लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइबर ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली इंटरलिंक बिटवीन द सेल्स। इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होंगे वो आपके लूजली इंटरलिंक होते हैं दूसरे सेल से, एक सेल से दूसरे सेल्स में इंटरलिंक लूजली होते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू आपके 3 टाइप के हैं: एरुलर कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोस टिश्यू है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है। एरुलर कनेक्टिव टिश्यू बात करें तो दिस टिश्यू कंटेन सेवरल टाइप ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल्स, मास सेल, प्लाटिबोसाइट्स होंगे। और इसके अलावा इसमें आपके 3 टाइप के जो फाइबर्स होते हैं वो रैंडमली प्रेजेंट होते हैं। और ग्राउंड सबस्टेंस होगा उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, कॉन्ड्रोलिन सल्फेट होगा, डर्मेटिन सल्फेट होगा और कार्टेन सल्फेट होगा। दीज आर द टिश्यू कम्बाइंड विद एडिपोस टिश्यू टू फॉर्म सबक्यूटनेस लेयर। और ये जो टिश्यू होते हैं वो एडिपोस टिश्यू के साथ में कम्बाइंड होकर एक सबक्यूटनेस लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, जो स्किन के अंडर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं सबक्यूटनेस लेयर है, उसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, आपका एरुलर कनेक्टिव टिश्यू बेंड एरुलर कनेक्टिव टिश्यू कम्बाइंड विद एडिपोस टिश्यू टू फॉर्म द सबक्यूटनेस लेयर, जो सबक्यूटनेस लेयर है जो डर्मिस के नीचे वाली।
अब बात करते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू एक है एडिपोसाइड सेल्स होते हैं जो आपके फैट का स्टोरेज करते हैं। एडिपोज टिश्यू जो गुड इंसुलेटर कैन रिड्यूस द हीट लॉस थ्रू द स्किन, इंसुलेटर काम करते हैं जिससे कि हीट लॉस काम नहीं हो पाता है। इट इज़ ए मेजर एनर्जी रिजर्वायर, जनरली सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ब्रीज ऑर्गन। ये एनर्जी रिजर्वायर काम करते हैं जिसमें फैट स्टोर रहता है, फैट्स टाइप के सब्सटेंस स्टोर रहते हैं जो बाद में हमें एनर्जी की तरह एनर्जी के रिक्वायरमेंट के टाइम में हमें एनर्जी के सोर्स का जैसा काम करने का काम करते हैं। तो मोस्ट एडिपोज टिश्यू इन एडल्ट होते हैं, वाइट एडिपोज टिश्यू होते हैं। जितने एडल्ट कंडीशन में बात करें तो सभी में वाइट एडिपोज टिश्यू होंगे, वाइट एडिपोज टिश्यू होते हैं। लेकिन ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो आपके इन्फेंट्स और फीटस, जो बच्चा माँ के गर्भ में है उसके में उसमें, और जो इन्फेंट्स यानी कि जो 6 महीने से बच्चा छोटा है उसमें मेजोरिटी कौन से होंगे, ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं। जबकि एडल्ट में कौन से होंगे, वाइट एडिपोज टिश्यू होते हैं। ब्राउन एडिपोज टिश्यू डार्कर कलर होते हैं, फ्रॉम वेरी रिच ब्लड सप्लाई विद लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होंगे वो आपके डार्क कलर के रहते हैं, और डार्क कलर के कारण क्या होता है, वो हाईली रिच ब्लड सप्लाई होता है और उसमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू ग्रेटर मोर हीट ऑन मेटाबॉलिज्म एंड थंस मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर इन न्यू बॉर्न। तो ब्राउन टिश्यू छोटे बच्चों होने की वजह से क्या होगा, वहाँ मेटाबॉलिज्म के लिए हीट ज़्यादा जनरेट होगी, और ज़्यादा हीट जनरेट होने के मेटाबॉलिज्म की एक्शन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी, और ज़्यादा हीट जनरेट होने की वजह से क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है कंसिस्ट ऑफ फाइन रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, रेटिकुलर सेल्स होते हैं, ब्रेन होते हैं, और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करते हैं ऑर्गन्स के लिए जैसे लीवर है, बोन मैरो है, स्प्लिन है, और आल्सो हेल्प इन द टू स्मूथ मसल्स टिश्यू सेल्स। उनके साथ बाइंड होने का काम करते हैं, उनको सपोर्ट, उनके बाइंड होकर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स आर इन स्प्लिन, रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं कुछ स्प्लिन प्रेजेंट करते हैं, वो एक तरह से फिल्टर बैटर काम करेंगे जिससे कि ब्लड आसान से फिल्टर हो पाए, और जो आपकी बर्नआउट सेल 240 सेल्स है वो वहाँ से अलग हो पाए। तो रेटिकुलर फाइबर्स इन लिम्फ नोड लिम्फ नोड फिल्टर लिम्फ एंड रिमूव द बैक्टीरिया। तो लिम्फ नोड के अंदर जो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं एक तो फिल्टर मीडिया काम करेंगे जिसके थ्रू जो लिम्फ है वो आपका फिल्टर हो जाता है, और उसमें बैक्टीरिया या अदर डाइवर्स सब्सटेंस होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं दिस इज द लिम्फ नोड, लिम्फ नोड के अंदर क्या बहुत सारे आपको रेटिकुलर फाइबर्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट है आपका डेंस रिलेटेड टिश्यू। डेंस रिलेटेड टिश्यू मोर न्यूमेरियस थिकर एंड डेंसर फाइबर्स होते हैं। डेंसर फाइबर होंगे बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, और लूज जिससे जैसे उसमें लूजली बाइंड होते हैं उसमें क्या होंगे बहुत ज़्यादा डेंसिटी में ज़्यादा होते हैं क्या आपके कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में डेंसिटी कम थी लेकिन यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो ये आपके मेनली 3 टाइप के हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स तो हैं लेकिन वो क्या है रेगुलर पैटर्न से हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मतलब फाइबर्स तो हैं लेकिन कोई रेगुलर पैटर्न से नहीं लगे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, इसमें इलास्टिक फाइबर जो होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स आर रेगुलरली अरेंज इन पैरेलल पैटर्न्स एंड दे प्रोवाइड द टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ। मैंने बताया ना आपको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होंगे कोलेजन फाइबर्स बहुत सारे प्रेजेंट है लेकिन क्या एक रेगुलर पैरेलल पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसकी उसको टिश्यू को हाईली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट सच एज विच प्रोड्यूस ए फाइबर्स ग्राउंड सब्सटेंस अपीयर इन ए रो इन बिटवीन द फाइबर्स। और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, ग्राउंड सब्सटेंस हैं, ये सभी इन फाइबर्स के बीच बीच में प्रेजेंट रहते हैं। और दिस टिश्यू इज वेरी वाइट एंड टफ एग्जाम्पल टेंडन लिगामेंट्स। और ये डेंस रेगुलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर हाईली स्ट्रेंथबल की जरूरत होती है जैसे टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं। टेंडन्स मैं बता चुका हूँ जहाँ मसल्स बोन से जुड़ती है वो क्या है टेंडन्स हैं। लिगामेंट्स क्या हैं, जहाँ बोन से बोन का जॉइंट होता है वो लिगामेंट्स हैं। लिगामेंट और टेंडन्स का फॉर्मेशन जो होता है मेनली किससे होता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है कोलेजन फाइबर क्वांटिटी में ज़्यादा है, और कोलेजन फाइबर ज़्यादा ज़्यादा होंगे वहाँ पर क्या होगा स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये तो एग्जांपल हो गया। अब आते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर क्या है कनेक्टिव कोलेजन फाइबर होंगे लेकिन रेगुलर पैटर्न में पैरेलल पैटर्न में नहीं होंगे, बिखरे हुए होंगे। तो यानी कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर डेट आर यूजली इरेगुलर अरेंज, रेगुलर अरेंज नहीं है, इरेगुलर है, वो अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं है लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा है। हार्ड वाल्व्स है, पेरिकार्डियम है, पेरिकॉन्ड्रियम है, पोस्टियम है, जो बोन्स का पोर्शन होता है पोस्टियम, आर डेंसर रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ये आपके कंसिस्ट ऑफ ब्रांच इलास्टिक फाइबर्स, में इलास्टिक फाइबर में ज़्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट होंगे। फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द फाइबर्स, ये फाइबर्स के बीच बीच में क्या होते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होगी। दिस टिश्यू इज क्वाइट स्ट्रांग एंड रिकॉलिंग टू इट्स ओरिजिनल शेप, और ये क्वाइट स्ट्रांग भी होते हैं और उनको पुल करने पर दोबारा वो अपनी रिकॉलिंग पुराना अपनी शेप को ग्रांट कर लेते हैं आफ्टर द बींग स्ट्रेच। जैसे एग्जाम्पल ये कहाँ का प्रेजेंट हो सकते हैं, लंग टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, वो लंग्स आपको पता ही है लंग्स हम इनहेलेशन करेंगे और एक्सहेलेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स का शेप बढ़ जाता है, तो इलास्टिक नेचर वहाँ पर होना जरूरी है। ब्रोंकियल ट्यूब का भी
लास्ट नेचर होता है, अगर मॉन्क्लूटिक का कोई डायमीटर बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, और इसके अलावा आपकी आर्टरी हैं उनका भी लास्ट नेचर होता है, क्योंकि आर्टरी में ब्लड बह रहा है कभी नहीं बह रहा, जब सिस्टोलिक फेज होती है तो वो आपकी फुल जाती है, डायस्टोलिक फेज होती है थोड़ी सिकुड़ जाती है, इस वजह से लैटरल सेकेंडरी टिश्यू वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं कार्टिलेज के बाद में। कार्टिलेज एक हार्ड है बट इलास्टिक नेचर का होता है, इट कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक कोलेजन फाइबर, इसमें मेरे इलास्टिक और कोलेजन फाइबर दोनों टाइप के फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ये मिली आपकी तीन टाइप की होती है, हेलिन कार्टिलेज, वाइट फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। तो हेलिन कार्टिलेज की बात करें तो इट प्रोवाइड द सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड अब्सॉर्ब द शॉक एट द जॉइंट। ये मेनली क्या करते हैं, ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करते हैं और शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जैसे आपकी हेलिन कार्टिलेज कहाँ होती है प्रेजेंट, जैसे आप कोस्टल कार्टिलेज होती है जो आपकी रिप्स में प्रेजेंट होती है, वो क्या हेलिन कार्टिलेज है। इट इज़ मोस्टली बॉन्डेड इन फाउंड इन द बोन एंड रिप्स, मैंने बताया था ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होगी, बोन्स में और रिप्स में प्रेजेंट होती है। रिप्स में वो आपका जो कोस्टल कार्टिलेज होती है वो किसकी बनी होती है, हेलिन कार्टिलेज बनी होती है। एंड दिस कार्टिलेज इज द मोस्ट एमिनेंट कार्टिलेज इन द बॉडी एंड इज द बीकेस्ट एंड थ्री टाइप ऑफ कार्टिलेज। लेकिन अगर हम इसकी स्ट्रेंथबिलिटी की बात करेंगे कार्टिलेज में, तो सबसे बीकेस्ट कार्टिलेज कौन सी होती है, हेलिन कार्टिलेज होती है। ठीक है, फिर आती है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज जैसे हम वाइट फाइब्रो कार्टिलेज के नाम से जाते हैं, ये हाईली स्ट्रेंथफुल कार्टिलेज है क्योंकि इसमें क्या है, कोलेजन फाइबर हाई क्वालिटी में प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट लार्ज सेल विच अरेंज द ग्रुप एंड कोलेजन फाइबर आर मोर देन हेलिन कार्टिलेज। इट इज अ फाउंटेन इन द इनर वर्टिब्रल डिस्क इन ए नी एंड इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ द कार्टिलेज। सबसे हाईली स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज कौन सा, वाइट फाइबर कार्टिलेज होगी जो आपके कोलेजन फाइबर्स में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और जो हेलिन कार्टिलेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल इंटर वर्टिब्रल डिस्क होती है वो भी वाइट फाइबर कार्टिलेज नहीं होती है, जो नी जॉइंट में नी कैप है वो भी आपका वाइट फाइब्रो कार्टिलेज बना हुआ है। तो यह सभी चीज़ें कहाँ किस में होती हैं, आपके वाइट फाइब्रो कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। ठीक, अब आते हैं इलास्टिक कार्टिलेज होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पोर्शन में इलास्टिक फाइबर ज़्यादा क्वान्टिटी में होती हैं, मोस्टली फाइंड इन द लैरिंगियल कार्टिलेज, एपिग्लॉस्टिक हमारा लैरिंगियल कार्टिलेज है, हमारा लैरिंग पोर्शन में है, एपिग्लॉटिस है, ईस्ट्रियन ट्यूब है जो हमारा कान को ओरल कैविटी से, ईयर को ओरल कैविटी से जोड़ने काम करती है, ईस्ट्रियन ट्यूब है। इट मेंटेन द शेप ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी सच एज ईयर, और कुछ बॉडी के जो स्ट्रक्चर हैं उनको मेंटेन करने काम करते हैं, जैसे ईयर पिन्ना है, ईयर पिन्ना में क्या होता है, इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है आपका बोन टिश्यू। बोन टिश्यू क्या है, हार्डेस्ट रिलेटेड टिश्यू होता है, ये टू टाइप ऑफ बोन होती हैं, उसमें जो सेल्स होती हैं एक ऑस्टियोक्लास्ट होती है, ऑस्टियोब्लास्ट होती है, टू टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बोन्स, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट बेसिकली करती है बोन की शेप को फॉर्मेशन करने काम आती है, बोन की शेप को मेंटेन करती है, और ऑस्टियोक्लास्ट होती है बोन को फॉर्मेशन काम आती है, बोन का फॉर्मेशन करती है, जबकि ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है, ऑस्टियोब्लास्ट बेसिकली बोन के स्ट्रक्चर बोन के शेप को मेंटेन करेगी। बोन का फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट के थ्रू, और बोन का शेप किससे मेंटेन हो रहा है, ऑस्टियोब्लास्ट के थ्रू। बोन टिश्यू जो मेनली डिवाइड इनटू टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एक तो होता है स्पॉन्जी बोन टिश्यू होता है, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू होता है। कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू होगा जो बाहर वाला आउटर जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, टफ स्ट्रक्चर होता है, वो क्या है, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू होता है, जबकि अंदर जो आपका स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको स्पॉन्जी बोन टिश्यू कहते हैं। लॉन्ग बोन आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन्स एंड द स्पॉन्जी बोन्स आर द फ्लैट एंड इन फ्लैट आर फ्लैट्स ऑफ द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। जैसे आप ये देखेंगे ये क्या है, स्पॉन्जी बोन टिश्यू है, दिस इज द स्पॉन्जी बोन टिश्यू, और ये क्या है आपका, क्या है, कॉम्पैक्ट बोन है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द बोन आर द प्रोवाइड सपोर्ट प्रोटेक्शंस मूवमेंट एंड साइड ऑफ ब्लड वेस्ट प्रोडक्शंस। जितनी आपके RBC WBC सभी का प्रोडक्शन क्या होता है, बोन बैरम होता है, स्टोर द एनर्जी। ठीक है, तो ये तो बोन के बारे में हम बेसिकली स्लैटर में और या डीप में बात करेंगे, यहाँ पर सिंपली आपको डिफाइन कर दिया है। इसके अलावा आपका ब्लड यानी वेस्कुलर या लिक्विड कनेक्ट टिश्यू होता है, इसमें लिक्विड कनेक्ट टिश्यू में बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, एक ब्लड होता है और दूसरा लिम्फ होता है। तो ब्लड देखें तो क्या है, ब्लड भी एक क्या है, लिक्विड कनेक्ट टिश्यू है, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे प्लेटलेट है, ल्यूकोसाइट्स है, एरिथ्रोसाइट्स है, प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना मेनली ब्लड का हम होता है। और ब्लड के को हम ज़्यादा डीप में ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका लिम्फ भी एक पार्ट है, किसका, लिक्विड कनेक्ट टिश्यू का। इट इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड दैट फ्लो द लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का फ्लो होता है, ये भी एक लिम्फ एक पार्ट ऑफ द फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है। इट इज कनेक्टेड टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ सेलर टाइप ऑफ द सेल्स एंड क्लियर लिक्विड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है, दैट इज सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा बट इज लेस प्रोटीन, इसमें प्रोटीन क्वान्टिटी कम होगी, डेंसिटी कम होती है, वाइड स्ट्रक्चर होता है, इसमें RBC नहीं होगी। तो ये लिम्फ के पोर्शन की हम बात करें लिम्फेटिक सिस्टम में, तो लिम्फ टिश्यू एंड बोन टिश्यू ब्लड टिश्यू बहुत ज़्यादा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरीके से आपका यह कंप्लीट हुआ कनेक्टेड टिश्यू।
तो क्रेडिट इशू में बेसिकली हमने क्लासिफिकेशन देखा, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप देखे। तो अगर क्रेडिट इशू में किसी को कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा सा समझ में आ रहा है तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तो नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ तक होगा हम मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे, तो मस्कुलर टिश्यू को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।